भाई साहब इन भाई के कोड ने तो सच में कमाल कर दिया, मतलब अपने गेम के अंदर एलियन को स्पॉन कर दिया गया है। जी हाँ गाइस, आप लोग देख सकते हो अपने गेम के अंदर एलियन ऐड हो चुका है। ओके तो हेलो व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है फिर से एक न्यू वीडियो के अंदर। गाइस आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप अपने गेम के अंदर आयरन मैन को कैसे ऐड करोगे। जी हाँ गाइस, आप लोग देख सकते हो अपने गेम के अंदर आयरन मैन भी ऐड हो चुका है एंड उसी के साथ साथ में माइकल करेक्टर भी ऐड हो चुका है। जी हाँ गाइस, अगर आप भी अपने गेम के अंदर माइकल करेक्टर को ऐड करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक देख लेना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। एंड अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना एंड आपको गेम के अंदर कोई चीट कोड पता हो तो कमेंट में बता देना, उसको नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करें। गाइस माइकल करेक्टर को ऐड करने से पहले आप लोगों को बता कि पिछली वीडियो में कुछ भाई लोगों का कमेंट आया था कि जिराफ करेक्टर को ऐड करके दिखाओ। गाइस तो सबसे पहले वीडियो में बात कर लेते हैं कि जिराफ करेक्टर को आप लोग कैसे ऐड करोगे। गाइस जिराफ करेक्टर को ऐड करने के लिए आप लोगों को सबसे पहले अपने गेम के अंदर प्लगइन ऐप को अपडेट कर लेना है। जैसे ही आप लोग प्लगइन ऐप को अपडेट कर लोगे आप लोगों को जिराफ करेक्टर की फाइल लिंक मिल जाएगा एंड जिराफ करेक्टर की फाइल को कॉपी करके आप लोगों को अपने गेम इंडियन बायोटाइम 3D में इंटरनेट वाले ऑप्शन में पेस्ट कर देना। कुछ टाइम वेट करने के बाद आपके गेम के अंदर जिराफ करेक्टर की फाइल लोड हो जाएगी। गाइस फाइल को लोड होने के बाद आप लोगों को अपने गेम के अंदर RGS टूल वाले ऑप्शन में आ जाना एंड आप लोगों को PM3 डायल कर देना। गाइस जैसे आप लोग अपने गेम के अंदर PM3 को डायल कर दोगे आपका करेक्टर जिराफ करेक्टर में स्पॉन हो जाएगा। गाइस आप लोग देख सकते हो मैंने अपने गेम के अंदर जिराफ करेक्टर को ऐड भी कर लिया एंड मैं अपने गेम के अंदर जिराफ करेक्टर को यूज भी कर पा रहा हूँ। गाइस अब बात कर लेते हैं आप अपने गेम के अंदर माइकल करेक्टर को कैसे ऐड करोगे। उसके लिए आप लोगों को कुछ टाइम का वेट करना पड़ेगा एंड जैसे ही गेम का न्यू अपडेट आएगा तो माइकल करेक्टर को भी ऐड कर दिया जाएगा। गाइस अगर आपको माइकल करेक्टर का सबसे पहले चीट कोड चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड जैसे ही माइकल करेक्टर का न्यू अपडेट आएगा तो आप लोगों को सबसे पहले बता दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।